आइए शुरू करते हैं। ये मैंने 3 आलू ग्रेट करके रखे हुए हैं उबले हुए, ये डाल देते हैं हम। इसमें 2 प्याज मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं, ये भी डाल देते हैं। 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं, ये भी डाल देते हैं हम। थोड़ा धनिया मैंने काट के रखा हुआ है बारीक, ये भी डाल दिया हमने। और क्या करना है अब मैंने डालना है इसमें 1 कटोरी पोहा जो है मैंने भिगो उसको धो के, और उसके बाद 5 मिनट उसको भिगो के, उसके बाद उसको पानी में से छान लिया, तो ये हमारा वो पोहा जो है ये आ गया। ये हमने इसमें 1 कटोरी पोहा मिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इसमें जब तक हम नमक मिर्च मसाले नहीं डालेंगे तब तक इसका कोई स्वाद तो आएगा नहीं, तो चलिए डाल देते हैं हम थोड़ा सा, आधा चम्मच जो है ये सफ़ेद नमक डालते हैं इसमें, और आधा चम्मच मैं काली मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। थोड़ा 1/4 टेबल स्पून जो है ये मैं काला नमक भी डाल दिया मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। आप कहोगे लाल मिर्च नहीं डाली, 1/4 चम्मच जो है लाल मिर्च भी डाल देते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा फ्लेवर डालते हैं भुने जीरे का, 1/4 ये डाल दिया। और 1 चम्मच हम डालेंगे जी इसमें पोहा मसाला, बाज़ार में मिल जाता है वैसे तो, अगर ना मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमने नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। 1 चम्मच, थोड़ा आधा चम्मच और डाल देता हूँ, 1.5 चम्मच मैंने ये पोहा मसाला डाल दिया, और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे जिससे कि इसका कलर अच्छा आ जाए। अब आप पूछोगे जी बना क्या रहे हो, तो अभी थोड़ी देर में बताते हैं क्या बन रहा है ये। और एक मेन चीज़ तो इसमें रह गई जी, वो हम और डाल देते हैं इसमें, 2 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहा हूँ जिससे इसकी बाइंडिंग जो है और बढ़िया हो जाएगी। अब हम इसको करते हैं, तो लो जी हमारा ये मिक्सचर हो गया तैयार। अब हम इससे बनाते हैं पोहा कटलेट, वो तो आपने देख ही लिया कि मैंने पोहा डाला आलू में, तो अब कटलेट बनाना है तो नाम होगा हमारा इसका पोहा कटलेट। आप चाहें तो इसमें मूंगफली जो होती है उसको थोड़ा रोस्ट करके और क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो कड़ी पत्ता वगैरह भी डाल सकते हैं थोड़ा फ्राई करके, और चाहें तो थोड़ा काजू जो है उसको भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जी इस तरह से इसकी हम बॉल बनाते हैं, और इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करना है, ठीक है जी। अब ये तो टिक्की की शेप बन गई, पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ से प्रेस करेंगे, थोड़ा यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे, तो हमने इसको हार्ट शेप देनी है इस तरह से। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें भी भर के बना सकते हैं, नहीं तो आपको अगर ऐसे बनानी आती है शेप तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जी कितना बढ़िया ये हार्ट शेप में तैयार हो गया। ये अब हम इस पर थोड़ा सा हल्का सा कॉर्नफ्लावर और इस पर स्प्रिंकल ऐसे कर देंगे, और ये हमारे रेडी हो गए कटलेट। तो इसको अब हम जो है फ्राई करेंगे। अब ये ऑयल गरम हो गया और इसमें हम डाल रहे हैं कटलेट। तो ये हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं, ठीक है।